वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम के लिए आपके सिलेबस और कोर्स के अकॉर्डिंग पूरी ही तैयारी बहुत अच्छी सी करवाऊंगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम मज़मून लिखने का तरीका सीखेंगे और एग्ज़ाम्पल के तौर पर मज़मून को पढ़कर भी सुनाऊँगी। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि किसी भी मज़मून को हमेशा 3 पार्ट्स में लिखा जाता है। पहले वाले पार्ट के अंदर टॉपिक जो दिया गया होता है उसका इंट्रोडक्शन देना होता है कि ये चीज़ क्या है। टॉपिक से मुताल्लिक बात की जाती है, उसके बारे में बताया जाता है कि ये चीज़ क्या है। फिर सेकंड पैराग्राफ में जो भी कोई टॉपिक दिया होता है उससे मुताल्लिक पूरी ही मालूमात लिखनी होती है, यानी कि ये चीज़ कैसे कैसे बनी वगैरह वगैरह सवालों के जवाब दिए जाते हैं। फिर लास्ट वाले पैराग्राफ के अंदर बच्चों हमें निष्कर्ष लिखना होता है, यानी कि टॉपिक से मुताल्लिक अच्छाई हो या बुराई हो या फिर कोई सलाह मशवरा हो। तो इन सभी बातों का जो जवाब है वो लास्ट वाले पैराग्राफ में लिखा जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा टॉपिक पर आपको मज़मून लिखना है। तो सबसे पहले लिखोगे कि अल्लामा इकबाल के मशहूर तराने का शेर, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा। ना सिर्फ उनकी यानी कि अल्लामा इकबाल की हुब्बुल वतनी यानी कि वतन से मोहब्बत को ज़ाहिर करता है ये शेर, बल्कि जो कुछ इन्होंने इस शेर में कहा है वो एक हकीकत भी है। क्योंकि हज़ारों साल पहले जब दुनिया के अक्सर ममालिक तहजीब व तमदीन और ज़िंदगी गुजारने के अच्छे तरीक़ों से नावाकिफ थे, उस वक्त भी हमारा मुल्क तहजीब व तमदीन, खुशहाली, तिजारत, ज़राअत और सनत के लिए मशहूर था। यानी कि हमारा देश पहले से ही सिविलाइज था, हर चीज़ को पहले से जानता था और देशों के मुकाबले में। इसलिए हमारे मज़मून का ये उनवान 100% सच्चाई पर मुमनी है। क्या लिखोगे? इसलिए हमारे मज़मून का ये उनवान 100% सच्चाई पर मुमनी है। आगे लिखोगे, हिंदुस्तान एक वसी यानी कि बहुत बड़ा मुल्क है। शुमाल से जुनूब तक 3200 किलोमीटर और मशरिक से मगरिब तक 3000 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका रकबा यानी कि एरिया 32,80,000 मुरबा किलोमीटर है। पानी से लबरेज नदियां और लहराते हुए जंगलात इसके 16 सिंघार हैं। शुमाल में हिमालय पहाड़ सर ऊँचे किए हुए हैं और इसकी हिफाजत में खड़ा है। तो जुनूब में समुंदर की लहरें इसके कदमों को चूमती हैं। खते कश्मीर की खूबसूरती का तो कहना ही क्या है, जिसके लिए कहा गया है कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है। एक अरब 30 करोड़ बाशिंदे इसके जानिसार मुहाफिज हैं, यानी कि मुल्क के। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ ज़ात, रंग व नस्ल, बोलचाल और तहजीब के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो बच्चों, टॉपिक का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड पैराग्राफ के अंदर टॉपिक से मुताल्लिक मालूमात लिखेंगे। तो सभी बच्चों को एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के गिफ्ट आइटम्स की ख़ास ख़ास चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शॉर्पनर, मैनुअल शॉर्पनर, नीडेबल इरेजर, ख़ास तरह की क्लिक पेंसिलें, ख़ास तरह की गिफ्ट आइटम्स, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह, तो ये सभी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। देखो बच्चों, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि ये चीज़ें आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं। अगर बाई चांस मिल जाती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं और आपको इन्हें ख़रीदने के लिए बाज़ार भी जाना पड़ता है। तो आप घर बैठे इन सभी चीज़ों को आसानी से मंगवा सकते हो। इसके अलावा दूसरी चीज़, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, बच्चों की सेफ्टी के लिए है। जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में जाते हो तो आप इस बेल्ट को अपने छोटे भाई बहनों के हाथ में बांध सकते हो, ताकि वो भीड़भाड़ में आपसे आगे पीछे ना हो, क्योंकि छोटे बच्चे बिल्कुल नादान होते हैं, ज़रा सा ध्यान चूकते ही वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए इस बेल्ट को ज़रूर ख़रीदें। और ये जो बेल्ट है ये ऑफलाइन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। अब बच्चों, सेकंड पैराग्राफ के अंदर हमें क्या लिखना है टॉपिक से मुताल्लिक पूरी ही मालूमात, तो ध्यान से सुनेंगे। हिंदुस्तान किसी ज़माने में सोने की चिड़िया कहलाता था, जिसको सुन सुनकर मगरबी ममालिक के मुँह में पानी भर आया। वो 7 समुंदर पार से तिजारत करने के बहाने हिंदुस्तान आए और रफ्ता रफ्ता हुक्मरा बन बैठे।
तकरीबन एक सदी तक इन्होंने हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाए रखा। इस अरसे में इन्होंने मुल्क की दौलत को दोनों हाथों से लूटा। वतन की जदोजहद और कुर्बानियां काम आई, मुहब्बाने वतन की जदोजहद और कुर्बानियां काम आई और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद मुल्की मसाइल के हल के लिए हुकूमत हिंद ने पंच साला मंसूबे तैयार किए, जिसके ज़रिए ज़राअत, सनत, तालीम, मुल्की दफा और आमदोरफ्त के ज़राए में खूब तरक्की की गई। आज भी ज़िंदगी के हर शोबे में हमारा मुल्क रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा है। अब बच्चों लास्ट पैराग्राफ लिखना है, यानी कि निष्कर्ष, अच्छाई बुराई, सलाह मशवरा, ये सब चीज़ें बतानी होती हैं। तो आप लिखोगे कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर जमहूरिया है, जहां हर मज़हब व मिल्लत को आज़ादी हासिल है। रंग व नस्ल, अमीर व गरीब की तफरीक किए बग़ैर आगे लिखोगे कि हिंदुस्तान, ये तो हो गया था रंग व नस्ल, अमीर व गरीब की तफरीक किए बग़ैर सबके लिए यकसा कानून है। हमारी खारजा पॉलिसी हमेशा से गैर जानिबदार ही है। काबिल अफसोस बात यह है कि कुछ तासुब और फिरका परस्त अफराद सूबाई तासुब, ज़बान के झगड़े और मज़हब के नाम पर फसादात करके हिंदुस्तान को कमज़ोर और बदनाम कर रहे हैं। अगर इस तरह के वतन के दुश्मन अनासिर का भरपूर तदराक ना किया गया तो हिंदुस्तान फिर कई टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। इसलिए तालीम के ज़रिए लोगों में वसी नज़रिया पैदा करने और कौमी यकजहती, यानी कि कौमी एकता के नज़रिए को तकवियत देने की सख्त ज़रूरत है। अगर हम सच्चे दिल से वतन के वफादार बनकर कोशिश करते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब हम दुनिया वालों को एक चैलेंज दे सकेंगे और उनसे कह सकेंगे कि आओ देखो, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।